This is lesson 4. Topic is cloud computing. Cloud computing में दो तरह से क्लासिफाई किया गया, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड मतलब क्या होता है? क्लाउड इस तरह की जो डिजाइन है, ये जो फिगर है, ये क्लाउड में रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क है उसे क्लाउड कहा जाता है। तो ये जो नेटवर्क है या इंटरनेट है, वहां पर बहुत से रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं। हम कोई भी जो रिसोर्स है उसको यूज कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट, तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये दो तरह की है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। जैसे कि आप अपना डेटा रखते हो गूगल ड्राइव पे, बहुत सारा डेटा बहुत से लोग क्रिएट किए होंगे अपने मोबाइल में, आपने देखा होगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आपका जब आप जीमेल में अकाउंट बनाते हो तो उसी के साथ गूगल ड्राइव आपका क्रिएट जाता है, वहाँ पर चीज़ें आप स्टोर करते हो। अपने मोबाइल को जब फॉर्मेट भी कर लोगे, ठीक है, पूरा फॉर्मेट हो जाएगा आपका सिस्टम या मोबाइल, उसके बाद भी आप अपना लॉगिन करोगे अपने गूगल में तो ड्राइव में देखोगे सारी चीज़ें रहेंगी। तो ड्राइव क्या होती है? ड्राइव इंटरनेट पर होती है, आपके अकाउंट पर होती है, आपके अकाउंट से गूगल आपको क्रिएट कर देता है, वहाँ चीज़ें आपकी सुरक्षित। तो पब्लिक क्लाउड इस तरह की सर्विस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसपे कि सारे यूजर्स जो है अपना यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ होता है, जो विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, उसमें भी आप स्टोरेज बना करके रखते हो अपने अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में क्रिएट करके, वो होता है वन ड्राइव, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव, ठीक है। मोबाइल में आपको होगा ड्राइव, जो आप गूगल में बनाते हो तो वह होता है ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट में जब बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाते हैं तो हो जाता है वो वन ड्राइव, ठीक है। वहाँ पर आप जाएंगे तो एक ऑफिस होगा 365, इसमें आपको MS Word वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके सिस्टम पे यदि MS Word है भी नहीं, मान लीजिए आपके विंडोज़ जो है विंडोज 7 विंडोज 10 पे आपको आपका नहीं है MS Word, आपने इंस्टॉल नहीं किया है और पावर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया है, फिर भी आप वहाँ पर जा करके अपने अकाउंट में ये ऑफिस 365 में से आप MS Word, PowerPoint, Excel, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत से एप्लीकेशन है जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक, यूजिंग सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी बनाएगी, ठीक है, अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें या कोई भी स्टोरेज है, तो वह सबको शेयर नहीं करेगी, लाइक वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को ही शेयर करेगी, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट क्लाउड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटेड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर्स है, दैट मेंबर्स कैन यूज। ये हो गया पब्लिक, हो गया जो कि सबके लिए, प्राइवेट हो गया उन्हें जो किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए, वो उन्हीं के लिए बनाया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के मेंबर के लिए, अदर मेंबर कैन नॉट एक्सेस दैट सर्विस। अब टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज, जो क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है उनको क्लासिफाई किया गया है यहाँ चार तरह से, AIaaS, PaaS, SaaS, FaaS, ठीक है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो क्लाउड है वहाँ पर कुछ सर्विसेज है, जैसे कि स्टोरेज है जहाँ पर चीज़ अपनी फाइल रख सकते हो, वहाँ कोई हार्डवेयर है, ठीक है, मान लीजिए प्रिंटर वगैरह वाई जो भी है उसको आप यूज कर रहे हो, तो इस सब वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, स्टोरेज सिस्टम है या कोई डिवाइस है, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, तो दैट टाइप ऑफ
क्लाउड कंप्यूटिंग इज कॉल्ड IaaS। ठीक, यहाँ पर ऐसे बनाया, वहाँ पर प्रिंटर रखा हुआ है, यहाँ पर से जो भी प्रिंट कमांड दे रहे हैं वहाँ निकल गया है। तो प्रिंटर इस हार्डवेयर भी हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकती है, स्टोरेज को आपने देखा है, स्टोरेज हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए कि आपके सिस्टम पर विंडोज है, आपको यूनिक्स पर लिनक्स पर काम करना है, तो आप अपने सिस्टम पर कैसे काम उस पर काम कर सकते हो, आपके पास वह इंस्टॉल करना हो तो विदाउट इंस्टॉलिंग इन योर सिस्टम यू कैन वर्क ऑन दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर नॉट लिविंग। तो ये सर्विस जो है प्लेटफॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाउड में वहाँ पर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है और यू आर वर्किंग ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ थर्ड, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जैसे कि एमएस ऑफिस 365, तो वहाँ पर क्या है कि सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड है, एक्सेल, जो कि आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल किया गया, लेकिन यू कैन लॉग इन एंड यू कैन वर्क ऑन दैट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, शॉर्ट में SaaS। नाउ फंक्शन एज ए सर्विस FaaS, इसमें क्या होगा, फंक्शन एज ए सर्विस ये रिलेटेड है आपका इट इज रिलेटेड विद दिस सेकेंड पास। इसमें क्या है कि यू आर वर्किंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू आर वर्किंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एक्सेसिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यू आर वर्किंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आपको सिर्फ उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करना है और उससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका एक्सेस नहीं है। So it is similar to this second one with the condition access features, accessibility. Okay, उसमें जो है आप जो है पूरी तरह से accessible नहीं है उसके infrastructure में, you are working on the operating system only.